तहसीलदार पांच डी एविक्शन ऑर्डर। ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स कहाँ से शुरू होते हैं, किस प्रोविजन में, तहसीलदार के अलर्ट सर, किस प्रोविजन में सर? ये 248 248 ही है सर, तहसील तहसीलदार साहब का ऑर्डर कौन सा है? P9 लॉट सर, P9। पटवारी सबमिट अ प्रतिवेदन लॉट सर बिफोर तहसीलदार एंड द प्रोसीडिंग वाज स्टार्टेड एंड डिक्लेयर। जब आप आपकी ओनरशिप बता दीजिए सर, सड़क के किनारे आपने वो टपरा बना दिया है, किसी दिन बस बहक जाएगी और सीधा आपको दबाते हुए निकल जाएगी, फिर आप चक्का जाम करने लग जाओगे। साहब हमको तो 10 लाख रुपए वो दियो, इस ड्राइवर का खिलाफ मुकदमा बनाओ सर, वहां पर मेरे अलावा भी कई अन्य हजारों लोग होंगे, आप अपना राइट बताओ सर। सर ये 89 से मेरा वहां पे रहे आए सर, क्या फर्क पड़ता है? आपके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, अर्थदंड भी हुआ है, तो एडवर्स पोजीशन का सूट लगाना लगाते रहो। सड़क के किनारे आप कब्जे किए हुए हो, रोज देखते हैं गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, बहक गई, किसी को बचाने के चक्कर में किनारे उतर गई, जिस दिन आप दब जाओगे उसी दिन आपके घर वाले सारा चक्का जाम करेंगे, बसें जलाएंगे, ड्राइवरों को पीटेंगे, सर पूरे शहर में सभी जगह, पूरे शहर में एंक्रोचमेंट है। बिल्कुल सही बात है सर, घर तो आपको कौन सा अधिकार मिल रहा है सर कि अगर सर पूरे शहर में एंक्रोचमेंट है तो आप भी एंक्रोचमेंट करेंगे? इतना बताओ तो सर, तो हम आपका प्रोटेक्शन दे देते हैं, हमें क्या है सर। 89 से है सर हमारा 9394/2024। दूसरा ये हमारा सर ये माय लॉर्ड में कैंडी सी दी ऑर्डर ऑफ दी क्या P1 लॉट सर, क्या कहता है इसमें सर? ये हमको लैंड होमलेस पर्सन माना है, इसके अलावा हमारा कोई घर नहीं है, पता नहीं है, तो आपको जहां मिलती ले लो ना, कौन मना कर रहा है? सड़क के बाजू में फुटपाथ पे मकान बना के रहना चाहते हो? नहीं ये देखिए सर, पेज नंबर 26 पे डायरेक्शन है, इसमें क्या डायरेक्शन है? तो ये है कि तत्काल वादग्रस्त शासकीय भूमि से प्लाटी का अतिक्रमण कब्जा हटाया जाकर उसे अतिक्रमण मुक्त, तो आपको आबादी भूमि पे दिया जाए तो दिया जाए, कौन मना कर रहा है सर? सर एडिशनल कमिश्नर साहब ने तो आपके पक्ष में ऑर्डर किया है कि आपको एक सिक्योर जगह तब तक नहीं दे दिया जाता, तब है ये हमको दिला दिया जाए, हम खाली हाँ, तो ये हमारा ही धंधा बचा है ना? आप तो सड़क के किनारे की जगह छोड़ो भाई, फुटपाथ है फुटपाथ, तो फुटपाथ हम छोड़ने तैयार हैं सर, ये हमको मत एहसान दिखाइए सर, मत एहसान दिखाइए, आप तो छोड़ दो। एडिशनल कमिश्नर साहब ने जो लिखा है, एडिशनल कमिश्नर साहब अपने ऑर्डर का पालन कराएं, हम क्या कर सकते हैं उसको? सर माय लॉर्ड में इशू डिसऑर्डर 9394/2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉर्ड सर काइंडली इशू दिस ऑर्डर डायरेक्शन टू डिसाइड माय नो नथिंग दैट देयर आफ्टर आई मे वेकेट द हाउस लॉर्ड। आप इमीडिएटली 15 दिन के अंदर वेकेट कर दीजिए, अदरवाइज आपको हमारा निवेदन सर इतना सही था कि शासन का ही निर्देश है तो उसको कम से कम कंप्लाइंट, जिस जिसको जेल जाना चले जाइए सर, कोई परवाह नहीं सर। आप पूछिए क्यों बोला हमने, क्योंकि हम आपकी जिंदगी की सलामती चाहते हैं। नहीं सर, आपके पीछे आपके घर वाले रोए ऐसा नहीं चाहते हैं। सारे हाईवे को खाली कराना पड़ेगा सर, पूरा शहर खाली कराना, करा दीजिए ना, क्यों ऐसे यदि हर जगह जान जोखिम की बात है तो फिर तो। अच्छा गौतम जी एक बात बताइए कि आप जब मकान बनाते हैं जी, आपने अभी मकान प्राइवेट मकान बनाया नहीं बनाया? बनाया सर, बनाया है। कितने कितने सालों की वकालत के बाद? सर उसने भी तो 80 में बनाया होगा, तो आज आज का समय और 80 का समय क्या है सर? आज आपने और उसने भी कुछ तो, अरे मेरे भाई सुन लिया, मिस्टर गौतम नॉट स्टॉप आर्ग्यूइंग, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन अ पॉलिटिकल स्टेज वेयर यू कैन से ऑल दिस नॉनसेंस सर। वंस आई हैव आस्क्ड यू टू टेल योर राइट, देन प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू योर राइट्स। जाइए नेतागिरी करिएगा, आप चुनाव लड़िए, जो करना करिएगा सर, राइट। आई एम डिसकंसर्न सॉरी, बिहेव लाइक एन एडवोकेट, नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन।
93-94/2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फाइल्ड। निवेदन कर रहा था कि जो इसमें डायरेक्शन का व्हाटएवर इट इज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड ठीक है आप WA में जाइए जहां जाना है वो कीजिएगा आप यहाँ पे आके ये बता रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूँ मैं तो जो जो आपको इतना बता दिया गलती मेरी है इसके आर्डर है मैं आपकी गलती मेरी कर रहा हूँ कि वो कंप्लाई नहीं हुआ और हमको हटा रहे हैं। यस आपका राइट बताइए पहले मैं आपसे पूछ रहा था एक चीज आपने आपने उसका जवाब नहीं दिया। राइट होता तो सर गौतम जी मैंने आपसे एक चीज पूछी आपने उसका जवाब नहीं दिया और आप जो है पॉलिटिकल लीडर बनने से लग गए। आप मुझे ये बताइए कि आपने व्यक्तिगत रूप से अपने खून पसीने के पैसे से जमीन खरीदी है क्या? नहीं नहीं खरीदी है इसलिए आपको दर्द नहीं मालूम है। नहीं मैंने खरीदी है सर इसने नहीं खरीदी है मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैंने तो खून पसीने से सबसे खरीदी है बाप के पैसे से खुद के पैसे से। अरे बाप दादाओं के पैसे के छोड़ो बाप दादाओं के पैसे पे तो सब ऐसे कर लेते हैं कोई अतिक्रमण नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ क्या कह रहा हूँ जो व्यक्ति खून पसीने की कीमत से जमीन खरीदता है मकान बनाता है ना उसके 50-60 साल की उम्र लग जाती है। सर थोड़ा पेज सुनिए सर मैं सुनिए करूंगा सॉरी सॉरी सर नेक्स्ट नेक्स्ट केस मुझे कोई आपसे मोरलिटी की बात करनी नहीं है। मैंने मुझे आपसे कोई मोरलिटी की बात करनी नहीं है। इतना बड़ा मिस्टर मिस्टर मुझे आपसे कोई मोरलिटी की बात नहीं करनी है सर मैं तो मुझे आपसे कोई मोरल मुझे तकलीफ इस बात की बात नहीं सर कॉल करो नया तुम खड़े क्यों को विदा कर लेता हूँ। आई एम नॉट अलाउ यू टू विदड्रॉ अगर इसको पॉलिटिकल मंच बनाना है दिस इज नॉट द प्रॉपर प्लेस। पॉलिटिकल मंच है मैं तो न्यायालय समझ के आया हूँ सर। हाँ तो अपने वकील की तरह बहस करें तो वकील की तरह पूरी दुनिया में करप्शन पूरे दुनिया में मैं सर आप चुप रहिए आप चुप रहिए सर मैं जो रिक्वेस्ट है चुप रहिए सर पूरे शहर में अतिक्रमण है फलाना है ढमका है तो मैं क्या करूं उसके लिए जाइए PIL लगाइए लगाइए ना PIL हम पूरा पूरी अतिक्रमण हटवा देंगे चिंता मत करिएगा जी। है सब भूखे प्यासे लोग कहां जाएंगे ये मेरा काम है क्या क्या बात करते हो यार आप। अगर मैं एडिशनल कमिश्नर के इस डायरेक्शन को सेटिसाइड करने की बात करूं कि आपको आबादी में अगर लैंडलेस तो दे दिया जाए तो देन यू आर राइट यू आर टेकिंग अवे माई लीगल राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इन आबादी। मैं उसी के कंप्लाइंस व्हाट एवर इट इज सर मैं आई एम नॉट हियर द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। आपने तो हाईकोर्ट को तो एग्जीक्यूशन कोर्ट बना रखा हुआ है सर अब नीचे के अधिकारी यदि कुछ नहीं सुनते हैं तो मत सुनने दीजिए सर कॉल करें यार नंबर 13 सर इसको विदा कर दे मेरा निवेदन है सर। नहीं वो जी सर मैं काइंडली परमिट टू विदा इट। गौतम जी आप लोग जो है ना आजकल का जो माहौल चल रहा है ना कोई माहौल नहीं सर सिंपल अरे और क्या एक शॉर्ट प्रेयर थी मेरी कि जो बात करते हैं ऑर्डर है बस उसका जो आदमी ईमानदारी से मकान बनाता है जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी और जो आदमी कब्जा कर ले तो आके या कोर्ट में बातें बताता है। व्हाटएवर इट इज सर आई हैव हर्ड यू आई हैव रिजर्व द ऑर्डर फाइन तो विदा करने का निवेदन है सर मेरा। चलो लिखो आफ्टर आर्ग्यूइंग द मैटर एट लेंथ द काउंसिल फॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इट वाज सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द एंटायर सिटी इज अंडर एनक्रोचमेंट एंड व्हाई एंड ऑल दिस अब लिखने दीजिए आप लिखने दीजिए सर वो सब्जेक्ट गौतम जी सुनिए सुनिए गौतम जी सुनिए आई हैव अ करेज टू राइट ईच एंड एवरी थिंग व्हिच आई हैव स्पोकन। आप लोगों में करेज नहीं है वो लिखवाने में आप लोगों में करेज नहीं है वो चीज लिखवाने में जो आप बहस करते हैं जबकि मेरे में करेज है वो हर चीज लिखने में जो मैंने बोली है। आप क्यों अपने शब्दों से भाग रहे हैं सर आपने बोला ना आपने बोला ना उसकी मैं तो वही एक एक शब्द लिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको जवाब दिया है। मैं तो पिटिशनर की जान बचाना चाह रहा हूँ। जान बचाने के आपका आपने ठेका ले रखा है आप तो अधिकार बचाइए जान मैं बचा रहा हूँ जान मैं बचा रहा हूँ कि अगर किसी दिन किसी बस का ब्रेक फेल हो गया किसी साइकिल वाले को बचाने पे आपके ऊपर चढ़ गई आप लोगों ने चक्का जाम करना शासन से कहना कि ऐसा और वैसा दुनिया भर के तमाशे करने उस बात पे भी मुझे चिंता नहीं है पर आपके पीछे आपके घर वाले जो रोएंगे मुझे उस पर चिंता है। किसकी जान बचाना चाहते हो सर आप अभी तो फिलहाल सब पिटिशनर हम आपके परिवार की चिंता कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सर हम लोगों को मरने दीजिए हम तो फुटपाथ पर रहेंगे फिर जब जब कोई एक कार फुटपाथ पर चढ़ जाती है तो पूरे देश में हंगामा खड़ा करते हैं आप लोग क्या बात करते हो सर
It is submitted by counsel for the petitioner that the entire city is under encroachment. And in spite of that, an order under section 248 of MPLR code has been passed against the petitioner only. The petitioner is a poor person and he has a right to live by encroaching upon the land belonging to the state government. And thus the order under section 248 of MPLR code was passed without considering the right to life and liberty. The submissions made by counsel for the petitioner appears to be on लिखा दूं पॉलिटिकल फ्रंट पे है ये पॉलिटिकल की बात तो और क्या है सर राइट टू लिव हाँ लिखा दूं फिर सर मैं तो बिट इट अपीयर्स दैट द आर्गुमेंट्स व्हिच हैव बीन एडवांस्ड बाय द पेटिशनर हैव नो लेग्स टू स्टैंड ही कैन नॉट जस्टिफाई हिज एनक्रोचमेंट मेयरली बाय कोटिंग दैट द अदर पर्संस हैव आल्सो एनक्रोच्ड अपॉन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी It is for the authorities to maintain law and order. But the petitioner cannot protect his possession only on the ground that since other persons have also made encroachments, therefore the petitioner should also be allowed to retain the possession. The submissions made by counsel for the petitioner were